अरे चूतियो क्यों बनते हो? ठीक है, गांडू बन के रहोगे तो कौन प्यार करेगा? कोई प्यार नहीं करेगा। जो तुम्हारे क्वेश्चन आए ना आज, ऐसा पार्टनर मर जाए तो ही सही है। तुम जो कह रहे हो, हाँ डेफिनेटली सही है। ओहो, कोल मैसी सर बिल्कुल नहीं आते, क्या करे? तो कोल मैसी किस लिए नहीं आते अपने माइंड में डालो ना। क्या कुत्ते बन के घूमते रहते हो गली में? चरकंडे हो क्या? चरकंडी हो क्या? सर पे चड्डी बांध के भाग गई, ट्रिंग ट्रिंग कॉल पे कॉल करोगी, मैसेज करोगी, 100 बार कह दिया, कभी इज्जत नहीं होगी। जहाँ तुम्हें एक कॉल करना चाहिए 100 कॉल करोगे तो सामने वाला क्यों तुम्हें कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा? क्यों तुम्हारी इज्जत करेगा? क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? तो गलती किसके? तुम्हारी है। हमेशा याद रखो, अगर सामने वाला बंदा तुम्हें कॉल पे डिस्कनेक्ट कर देता है या बंदी कर देती है, दोबारा कॉल मत करना, ठीक है? एक कॉल की बजाय कभी दूसरा तीसरा कॉल मत करना। रात को उसका फ़ोन बिजी जा रहा है, एक बार तुम कॉल कर रहे हो, बार बार मत करो। पूछना मत कभी कि कहाँ बिजी था, क्यों। सामने वाले की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो बताए, आज पापा लेट आ गया, मम्मी लेट आई है घर पर। तो मम्मी की प्रायोरिटी होती है कि मैं यहाँ गई थी। बच्चे लेट आते तो बच्चे बताते पापा हम यहाँ गए थे। बार बार पूछने का मतलब यह है बच्चा बिगड़ चुका है, ठीक है? बिना बताए जा रहा है बच्चा या जा रही है। तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिना बताए जा रहा है तो बिगड़ चुका है, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। प्यार होगा तो रंडवा सुधरेगा, गधी सुधरेगी, नहीं तो कुछ कितना ही कुछ कर लो नहीं सुधरेगा, ठीक है? नहीं सुधरेगी। अब आएंगे लॉयल्टी। सर 1% ही नहीं है लॉयल्टी को तुम कैसे जज करते हो कि ये लॉयल है नहीं है? लॉयल्टी को मैं बताता हूँ कैसे जज करो। तुम्हारे पास वो अवेलेबल कैसे रहता है? रहती है, जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, अगर वैसे अवेलेबल है तो डेफिनेटली प्यार है। अगर वैसे नहीं है तो समझ जाना कोई प्यार नहीं है। अगर 5 दिन में तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ रहा है, 6 दिन में तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है तो कोई प्यार नहीं है। पैसा खर्च करना, सेक्स करना ही प्यार नहीं होता। टाइम देना, केयर करना, रिस्पेक्ट देना, अवेलेबल होना, ठीक है? अगर तुम प्रूफ मांगते हो कभी वो तुम्हें दे रहा है दे रही है, अगर तुम शक्की हो उधर कॉल लगा देते हो प्रूफ देने वालों को, तुम्हारी ज़िंदगी को झंड करवाते हो, तो ऐसे से दूर रहना। अगर तुम्हारा बंदा या बंदी तुम्हें प्रूफ वगैरह सब चीज़ें दे रहा है तो डेफिनेटली प्यार है। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आ रही होगी। इग्नोर सर दिन रात करना, तो पहले तुम्हें वो इग्नोर क्यों नहीं करता था, क्यों नहीं करती थी? कभी तुमने खुद से क्वेश्चन करा है? नहीं करा ना, क्योंकि तुम्हें पहले इंटरेस्ट था। यहाँ जा रही हूँ मैं, सुबह ब्रेकफास्ट करूँगा, अच्छा पापा कितने हैं, मम्मी कितनी है, बहन कितनी है, अच्छा आप क्या करते हो? दिन भर आप रूटीन पूछते थे, ठीक है? डेली का रूटीन वगैरह जो चलता है, डेफिनेटली आप उससे चीज़ें डिस्कस करते थे। आज कहाँ बिजी हो, ऑनलाइन हो, रिप्लाई नहीं कर रहे, शक, ठीक है, लड़ाई झगड़े, इसकी वजह से वो तुम्हें कॉल नहीं करता या कॉल नहीं करती, इग्नोर करता है, करती है। हाँ, किसी की फितरत में अगर तुम उसको फ्रीडम दे रहे हो फिर वो कुत्तों के जैसे डेफिनेटली कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, हो रही है, तो फिर वो प्यार नहीं है। बट अगर तुम उन पर ज़्यादा हावी हो रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे, शक आता है, तो ये प्यार नहीं है। देखो, शक करके बर्बाद होने से अच्छा बहन चो एक बार यकीन करके बर्बाद हो जाओ, ज़िंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। समझ आया नहीं आया? अब आया धोखा, बहुत बार दे दिया तो तुम कुत्ते हो, गधे हो, ट्रेन के आगे जा रहे हो, पैर कट रहे, दोबारा जाओगे मरोगे, बस के आगे जा रहे हो, तुम्हारी कमर टूट गई, हड्डियाँ कड़क गई, कड़कड़, ठीक है? और धोखेबाज के पास जाओगे तो दोबारा धोखा खाओगे, तो ऐसों के पास जाते क्यों? फॉल्ट किसका है? तुम्हारा, ना कि उसका। तो गलती तुम्हारी है, ठीक है? प्यार या दोस्ती, सर हम उसको कहते हैं कि प्यार जरूरी है, दोस्ती जरूरी है, बट उसे दूसरे लोग जरूरी है। तो गलती तुम्हारी है, तुम लोगों के साथ कंपेयर क्यों करते हो? कुत्ते हो क्या हैं? कंपेयर करोगे क्या? 5-स्टार होटल को तुम अपने घर से कंपेयर करोगे क्या? ऐसे कंपेयर करते रहोगे तो कभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। देखो, दोस्त अपनी जगह सही है, तुम अपनी जगह सही हो, फैमिली अपनी जगह सही है, ठीक है, काम करने वाले अपनी जगह सही है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह सही है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह सही है। तुम इन चीज़ों में कनेक्शन मत डालो, या तो घर या मैं, या तो मम्मी पापा या मैं, या तो दोस्त या तो जॉब या मैं। ये मैं आ जाता है ना तो वहाँ रिलेशन झंड होता है। अरे यार, उसके दोस्त है तो उसके लिए ज़रूरी होंगे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। देखो, सबक सिखाना है प्यारे तरीके से। तुम भी अपने रिलेशनशिप में दोस्त डाल सकते हो। 100 बार तुम्हें मैं चीज़ें बताता हूँ, अगर तुम इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं करते तो फॉल्ट किसका है? तुम्हारा, ना कि मेरा, ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। तुम्हें फील करवाना नहीं आता और तुम्हारा बंदा तुम्हें फील करवाता है ना। अब मेरा लास्ट पॉइंट है, फ्यूचर कुछ नहीं है। देखो, जहाँ फ्यूचर नहीं है वहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बैंक में पैसे जमा कराओगे जहाँ तुम्हारे पैसे सेवा बट मिलेंगे नहीं, कराओगे तो चूतिया। तुम ऐसे घर को बाय करोगे क्या जहाँ तुम घर तो खरीद सकते हो, बेचोगे पैसे नहीं मिलेंगे, तो कुत्ते कौन हो? तुम हो। तो ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहते हो जहाँ सेक्स भी है, प्यार भी है, बट फ्यूचर नहीं है? जहाँ फ्यूचर नहीं, फिर तो तुम यूज एंड थ्रो वाला काम हो गया। जैसे एक कॉल बॉय रहता है, पैसे लेके फिजिकल होता है, कॉल गर्ल होती है, पैसे लेके फिजिकल, मजबूरी होती है, वैसे तुम झकमार के रह रहे हो। तो गलती किसकी? तुम्हारी, ना कि उसकी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया फ्यूचर नहीं है, तो मैं उसकी गलती नहीं मानूंगा, गलती तुम्हारी मानूंगा। कुत्ते तुम बन रहे हो, है ना?
तो फिर ये डिस्कशन है चीज़ों का, और आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।